फेसबुक एडवर्टीजमेंट के लिए ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मिस नहीं करना, पूरा ए टू जेड अच्छे से देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टार्टिंग में फेसबुक एडवर्टीजमेंट कैसे रन करेंगे। अगर आपने एक नया ई कॉमर्स स्टोर अभी शुरू किया है, जस्ट आपने स्टार्ट किया है ई कॉमर्स स्टोर और आपने अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टीजमेंट करना है, अब आपने प्रोडक्ट भी चूज कर लिया है, अब आपने स्टोर भी चूज कर लिया, अब हमें होता क्या है, जो हमारी साइकोलॉजी है, हमें यह रहता है कि फटाफट एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हो जाए और हमें ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएं। लेकिन आपको पेशेंस रख के काम करना है, आपको ये चीजों को इंप्लीमेंट करना है, तो ही आप सरवाइव कर पाएंगे। नहीं तो उसका क्या फायदा कि आपने फेसबुक एडवर्टीजमेंट रन करी और आपका एड अकाउंट जैसे ही आप स्टार्ट करने जाएंगे उसी वक्त इमीडिएटली बैन हो जाता है। ये चीज भी होती है और ये प्रॉब्लम भी आपको आती है कई बार कि आपका जो है नया एड अकाउंट होता है और उसमें वो बिजनेस अकाउंट नहीं बनने देता, उसमें वो एड अकाउंट भी नहीं बनने देता। तो उसके लिए भी ये जो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूं उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर आपको फेसबुक नया बिजनेस अकाउंट नहीं बनाने दे रहा है, अगर आपको फेसबुक नया एड अकाउंट नहीं बनाने दे रहा है, तो ये मेथड को आप इंप्लीमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपका बिजनेस अकाउंट भी बनेगा, आपका एड अकाउंट भी बनेगा। तो फिर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट, या तो आप रेगुलर यूज करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं रेगुलर यूज नहीं करते, पड़ा हुआ है काफी देर से, हमने उसमें ना कोई फोटोग्राफ्स डाली हुई है ना ही कुछ लोगों को ऐड किया है, तो सबसे पहले आपको कुछ लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है जो आपके नोन में है। कुछ लोगों को आप फ्रेंड्स ऐड करेंगे, फिर आप एक फेसबुक पेज बनाएंगे अपने ब्रांड का, बिकॉज एडवर्टीजमेंट के लिए पेज तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो आप एक न्यू पेज बनाएंगे, न्यू पेज क्रिएट करते हैं, जैसे ही पेज को आप क्रिएट करेंगे तो पेज के अंदर आता है प्रमोट का ऑप्शन। फेसबुक पेज पे जो आप पेज बनाते हो उसको प्रमोट का ऑप्शन आता है, वो आपके पर्सनल एड अकाउंट से प्रमोट होता है। लेकिन सबसे पहले आपको फेसबुक पेज के लाइक्स के लिए एडवर्टीजमेंट करनी है, आपको फेसबुक लाइक्स के लिए एडवर्टीजमेंट करनी है ताकि आपके फेसबुक लाइक्स जो है बढ़ जाए। तो फेसबुक पेज को जब आप प्रमोट करेंगे तो आप 100 रुपीज की एड चलाएंगे, 100 रुपीज की एडवर्टीजमेंट चलाएंगे पेज के लाइक्स के लिए। तो उसको आपने फर्स्ट डे चलाया, सेकंड डे चलाया, थर्ड डे चलाया, जरूरी नहीं एवरीडे 100 रुपीज चलाना है, आप 50 रुपीज भी चला सकते हैं। तो 2 दिन 3 दिन ऐसे करिएगा, फिर आपने जब एडवर्टीजमेंट चलाई लाइक्स के लिए, कुछ लाइक्स आ गए, फिर आप कोई कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो फेसबुक के पेज के ऊपर डालिए, वो प्रोडक्ट डालने के बाद उनको भी आप प्रमोट कीजिए, वहां पे ऑप्शन आता है ना बूस्ट, बूस्ट कीजिए उस प्रोडक्ट को, वो भी आपके पर्सनल अकाउंट से ही बूस्ट होंगे। तो आप 2-3 प्रोडक्ट्स को प्रमोट करिए, बूस्ट कीजिए, आप एक को भी बूस्ट करेंगे तो भी चलेगा, 2 दिन उसको बूस्ट कीजिए, ये सारे प्रोसेस में आपके 200 से 300 रुपीज इन्वेस्ट होंगे। लेकिन उसके बाद आप 1 वीक का पूरा जो है पेशेंस आपने इसमें रखना है, 1 वीक का जो टाइम है वो आपने देना है ये पूरे प्रोसेस में। आप जरूरी नहीं है कि आप रेगुलर हर रोज एडवर्टीजमेंट चलाएं, आप एक दिन चला के एक दिन रोक के फिर एक दिन चला सकते हैं, ऐसे करके आपको 1 वीक का पेशेंस रखना है। 1 वीक के बाद क्या होगा कि आप उस टाइम पे जब अपना फेसबुक बिजनेस अकाउंट बनाने जाएंगे वो भी आराम से बनेगा, आपका एड अकाउंट भी इजीली बन जाएगा और आपका एड अकाउंट भी जल्दी बैन नहीं होता है। तो ये मेथड को आप जरूर इंप्लीमेंट कीजिए और आपको इसके भी रिजल्ट जो है बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने करना है, अपना फेसबुक पेज बनाना है, उसके ऊपर पेज के लाइक्स के लिए एड चलानी है हर रोज 50 रुपीज की। आप मिनिमम आपको 80 रुपीज जो है फेसबुक को देने पड़ते हैं, लेकिन आप एडवर्टीजमेंट 50 रुपीज की चला दीजिए, उसके बाद आप मैनुअली बंद कर दीजिए उसको। तो 1 डे 2 डे 3 डेज ऐसे करके करिए, 4 to 7 डेज के बाद आप जो है फेसबुक बिजनेस अकाउंट बनाइए, फेसबुक एड अकाउंट बनाइए, फिर आप अपनी एडवर्टीजमेंट को रन कीजिए, तो आपको इसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा।